हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी लंबे समय के बाद आपके सामने एक रिकॉर्डेड क्लास में आए हुए हैं। तो चलिए आज जो भी हम लोग टॉपिक यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, उम्मीद है आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा होगा तो शायद हमसे ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं और जिस टाइप के बारे में हमें बात करनी है वो काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस पे हैं। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, काफी आपने यहाँ से क्वेश्चंस को देखा होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये ध्यान रखिएगा, आप लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो तो चलता ही रहेगा, इसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा लेकर के चलना है। जो चीजें क्लास में बीच बीच में छूट जाती हैं उन्हें हमें कवर करने के लिए अपने YouTube की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ वैसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और उन्हीं पे हम बात करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन कुछ यहाँ पर नजर आ रहा होगा बोर्ड पर, और उसी को हम लोग शॉर्ट आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला कितना खूबसूरत सा सवाल ये बोला गया है कि किन्हीं चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। चार ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए, 1, 2, 3 और 4। देखो क्या बोला गया, किन्हीं चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहली बात है ये कि अगर किसी बच्चे को ये चीज नहीं पता है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो वो बता दिया जाए। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको क्लास में ऐसे कुछ सिखाए गए हैं, 1 से लेकर के अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से जो आगे तक चलते जाएंगे, ये क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर होते हैं। हमें अगर क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करनी है तो जो सक्सेसिव एक के बाद एक चलते हैं उन्हें हम लोग क्रमागत बोलते हैं। जैसे कि सपोज कर लो, अगर हमने एक क्रमागत, अगर पहली संख्या 100 ले ली, तो इसके बाद में क्या आएगा? 101। इसके बाद में क्या आएगा? 102। इसके बाद में क्या आएगा? 103। तो ये जो बराबर बार बार नंबर एक साथ में अलग अलग चलते रहे तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे? क्रमागत संख्याएं। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे ये संख्याएं कैसी है? ये प्राकृतिक संख्याएं भी है। अब सवाल में आपसे ये चीज बोली गई है क्या, कि किन्हीं चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या है पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो, कोई हमें चार संख्याएं लेनी है, तो जैसे कि हमने पहली संख्या ले ली x, दूसरी संख्या ले ली x+1, तीसरी संख्या ले ली x+2 और चौथी ले ली है x+3। आपको चार संख्याएं लेनी थी जो कि कैसी हो? क्रमागत संख्याएं। तो हमने इन चार संख्याओं को क्रमागत रूप में लिख लिया। सवाल में आपसे बोला गया है कि चार क्रमागत संख्याओं के गुणनफल, तो इन चारों संख्याओं का हमें क्या कराना है? गुणनफल। और सवाल में आपसे ये भी बोला गया है कि गुणनफल में ऐसा हम क्या जोड़े कि हम यहां पर इसमें क्या ऐसा नंबर जोड़ दें कि जो ये नंबर हो वो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में हो जाए, पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए। मतलब आप अगर इस संख्या का वर्गमूल निकालना चाहें तो इस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सके। वैसे तो आप अगर एग्जाम में बैठे होंगे तो एग्जाम में अगर यही सवाल आया तब तो फिर बहुत ही ज्यादा सिंपल बन जाना है, क्योंकि वहां पर आप लोग क्या करते हैं? नंबर्स को लेट कर लेते हैं, 1, 2, 3 ऐसे कुछ नंबर्स मान लोगे, उसके बाद फिर गुणा करा करके चेक करोगे कि हम इसमें कौन सा ऐसा नंबर जोड़ दें। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये तो अभी पहला ही सवाल है। वीडियो के जब आगे आप बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे जो आप नहीं समझ पाएंगे कि इनको कैसे करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद में फिर ट्रिक आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ट्रिक तक की पहुंचना है तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करना होगा। चलिए बात करते हैं। देखो, हम करने क्या वाले हैं, हम अगर इस एक्स का मल्टीप्लीकेशन पहले हम इस x+3 से करा दें और x+1 का मल्टीप्लीकेशन x+2 से करा दें। तो चलो जरा कराते हैं भाई, एक्स का मल्टीप्लीकेशन x+3 में कराएंगे तो एक्स का एक्स में कराओगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स का 3 में कराएंगे तो कितना? 3x बन जाएगा। ठीक है भाई, हमने इन दोनों पदों का गुणा करा लिया। अब इन दोनों पदों का गुणा कराने की बारी आती है, तो चलो जरा कराते हैं। एक्स का गुणा आप एक्स में कराएंगे कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणा 2 में कराओगे कितना बनेगा? 2x। फिर इस 1 का एक्स के साथ में कराओगे कितना? 1x, मतलब एक्स। और फिर 1 का 2 में मल्टीप्लीकेशन कराओगे कितना? 2। ओके,
चलो जरा इनको हम जोड़ लेते हैं। वैसे यहाँ पे के है तो हमें ये चीज बाद में देखनी होगी कि हम इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें कि संख्याएं कैसी हो जाए, पूर्ण वर्ग में हो जाए। तो आप इसको अभी भी रूट के हिसाब से लेकर के चल सकते हो, स्क्वायर रूट है तो ठीक है, लगा रहने दो। स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पे है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और x को जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 3x बन जाएगा। अगर आप इसको यहीं पर आगे लिखना चाहो तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या, कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, और यहां पे अगर हम जोड़ देंगे तो ये देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। ओके ना। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x को कुछ मान लेते हैं। हमने नंबर मान लिया कौन सा, ए। हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x विल बी ए। तो हमने यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मान कितना माना है, ए माना है। चलो जरा रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मान हो गया है ए। यहां पे भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो इसकी जगह पे भी हम कितना रखेंगे, ए, और प्लस में 2 है तो इसको ऐसे ही लगा रहने दो। ओके, आफ्टर डेट ए का हम मल्टीप्लीकेशन कराने वाले हैं, तो चलो जरा मल्टीप्लीकेशन करा करके रख लेते हैं। ए का ए में मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, ए स्क्वायर बनेगा। ए का 2 में मल्टीप्लीकेशन बनाएंगे तो फिर कितना, 2a हो जाएगा। तो यहां पे ए स्क्वायर प्लस 2a। अच्छा, अब बात ये आती है कि क्या इस संख्या का पूर्ण वर्ग निकल पाएगा, क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, पूर्ण वर्ग मूल के रूप में लिखी हुई है क्या। लेकिन नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, ए स्क्वायर है यहाँ पे, 2a यहाँ पे, तो भाई परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या चीज, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। अच्छा, अगर हम इस स्क्वायर को यहां ना लगाएं बल्कि यहां पर लगा दें तो क्या ये इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। तो एक बात तो तय है, अगर कोई संख्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है और अगर उस पे स्क्वायर रूट लगा है तो आसानी से स्क्वायर रूट हट जाएगा। कैसे, आप यहां पर स्क्वायर रूट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी। ऐसा कुछ आपको अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल निकालने में क्लास में समझाया गया, यूट्यूब पर भी वीडियो अपनी पड़ी हुई है, आप चैनल पे जाकर के उसको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा क्योंकि अभी होमवर्क के बेसिस पे क्लास में अभी कुछ दिन पहले आपको वो काम दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे सवाल में यही चीज थी कि अगर हम एस इनके मल्टीप्लीकेशन में, तो इनको हमने जब शॉर्ट आउट किया है तो कुछ ए स्क्वायर प्लस 2a शॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, हम इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम यहां पर 1 जोड़ देते हैं, क्या 1 ऐड कर देंगे, तो ये जो फॉर्मेशन बनेगी ये ए प्लस 1 के होल ऑफ स्क्वायर की बन जाएगी, किसकी, ए प्लस 1 के होल ऑफ स्क्वायर की। तो स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट काट दोगे तो कहने का मतलब हमने यहाँ पे क्या जोड़ा है, हमने यहां पर 1 जोड़ा है। हम यहां पर k के प्लेस पे ऐसा कौन सा मान रखें कि संख्या कैसी हो जाए, यहां पर k के प्लेस पे हम ऐसा कौन सा मान रखें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए। तो आप k के प्लेस पे कितना रख रहे होंगे, 1 रख रहे होंगे। वैसे एक बात है, क्या अभी यहां पर इस सवाल को करने में हमें काफी टाइम लग रहा है क्योंकि काफी कुछ हमने कॉन्सेप्चुअल किया है। तो बात ये आती है कि जब कभी हम एग्जाम में होंगे तब भी हमें क्या इतना ही टाइम लगने वाला होगा, नहीं, एग्जाम में तो हमें पेन भी नहीं उठाना है, एग्जाम में हमें पेन को छूना भी नहीं है, आप सीधे सीधे सवाल को पढ़ोगे और सवाल को पढ़ते ही आंसर दे दोगे। तो चलो भाई, जिसको भी ये नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स के बारे में बात करनी है, तो उसी पे बात करने जा रहे हैं। देखो यहां पे क्या था, यहां पे आपने k के प्लेस पे 1 ऐड किया है, k के प्लेस पे क्या ऐड किया है, 1 ऐड किया है। तो चलो भाई, छोटी छोटी दो तीन बातें उनको जरा आप ध्यान से समझ लीजिए। जब जब क्रमागत संख्याएं हों तो हमेशा 1 की घात 4 को ऐड कर देना है। जब क्रमागत संख्याएं दी हो तो आप हमेशा क्या करोगे, 1 की घात 4 जोड़ दोगे तो संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में बन जाएंगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्रमागत संख्याएं दी जाएं,
कभी होगा कि भाई संख्याओं के बीच में अंतर दो का बना देगा, कौन सी संख्याओं के अंतर के बीच में दो, जैसे आप सम संख्या जानते हो तो हर दो क्रमागत सम संख्याओं, हर क्रमागत सम संख्या के बीच में दो का ही तो अंतर होता है। जैसे अगर हमने पहली क्रमागत संख्या ली तो आप कौन से देखोगे, दो, दूसरी क्रमागत संख्या चार, तीसरी क्रमागत संख्या छह, तो आपने दो चार छह आठ दस बारह के बीच में हर सभी संख्याओं के बीच में अंतर कितने का पा रहे हैं, दो का पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम कभी भी सभी विषम संख्याओं के बारे में बात करें, अगर हम कभी भी क्रमागत विषम संख्याएं ले रहे होंगे तो हमेशा उनमें भी अंतर कितने का आता है, अंतर हमेशा उनमें भी दो का ही रहता है। तो जब सक्सेसिव या फिर क्रमागत इवन या ऑड नंबर्स, जिनको हम हिंदी में सम या विषम संख्याएं बोलते हैं, जब क्रमागत सम या क्रमागत विषम संख्याएं हों तो हमेशा दो की घात चार को जोड़ेंगे। कितनी की घात, दो की घात चार को जोड़ेंगे। बात समझ में आ गई, कंफर्म है ना? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जब आपके बीच में भाई क्रमागत संख्याओं के बीच में एक का अंतर हुआ तो आपने एक की घात चार को जोड़ दिया। कभी कभी ऐसा होता है जब क्रमागत संख्याओं के बीच में दो का अंतर हुआ, मतलब सम संख्या या फिर विषम संख्या, तब आपने दो की घात चार को जोड़ दिया। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाता है कि भाई क्रमागत जो संख्याएं दी हो उनमें तीन का अंतर हो, जब क्रमागत संख्याएं जिनमें अंतर कितने का, अंतर तीन का हो, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना, हमें तीन की घात चार जोड़ देना है। जितने का डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा, आपको क्या करना है, डिफरेंस की पावर फोर को ऐड करना होगा। अगर संख्या को आपको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट के रूप में लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, आप डिफरेंस ढूंढे और डिफरेंस की घात चार कर दें। जो भी अंतर होगा उसी की घात चार करने पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जब कभी इस तरीके से संख्याएं बोली जाती है कि भाई किन्हीं चार क्रमागत संख्याओं को के गुणनफल में हम ऐसा क्या जोड़े कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए, तो इनको आप कभी भी फॉर्मूले बेसिस पे मत किया करें। सीधे आज आपने ट्रिक सीख लिए तो आप उसी को अप्लाई करें। उम्मीद है इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम लोग इनके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब फिर आप पूरे तरीके से मजबूत हो जाएंगे इस टॉपिक के लिए। तो चलो जरा देखते हैं सवाल आपको क्या बोल रहा है। वैसे इस सवाल में तो आंसर कितना हो जाएगा, एक की घात चार, और एक की घात चार का मान कितना होता है, एक होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जो आपका दिया है वही आपका आंसर हो गया। अब देखो अगला सवाल आपके सामने क्या आ रहा है। सवाल में बोला गया है कि किन्हीं चार समक्रमागत संख्याओं, किन्हीं चार समक्रमागत, समक्रमागत का मतलब क्या है, इवन सक्सेसिव नंबर्स के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं पूर्ण वर्ग हो जाएं। अच्छा, अब आप हमें एक बात बताइए, अगर सम संख्याएं हैं तो इनमें डिफरेंस कितने का चलेगा, इनमें डिफरेंस चलेगा कितने का, दो का। तो सवाल में आपसे यही चीज बोली गई कि किन्हीं चार क्रमागत सम संख्याएं, तो अगर चार क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं और उनके गुणनफल में आपसे ये बोला गया कि क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये देखो कि सम संख्याओं में, दो सम संख्याओं में, दो क्रमागत सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, दो का अंतर होता है, अंतर कितने का, दो का। तो जितने का डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितने का है, दो का, तो आप उसी की घात चार लगा देंगे, तो दो की घात चार का मान कितना होता है, 16। सवाल के कहने का मतलब ये है कि अगर हम 16 जोड़ दें तो संख्याएं कैसी हो जाएंगी, पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएंगी। तो दूसरे क्वेश्चन में जो देखो आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन में कितना है, 16 है। ओके, चले अगले के बारे में बात करें, इसको जरा हटा देते हैं फिर नेक्स्ट लेते हैं। सवाल यहां पे जितने टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है हम सभी टाइप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में इस तरीके से कोई भी सवाल आया तो फिर यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। देखो अगला सवाल क्या बोला गया, कुछ सवाल इस तरीके से लिखा है कि एक्स माइनस टू ए, एक्स माइनस फोर ए, एक्स माइनस सिक्स ए और एक्स माइनस एट ए प्लस के ए की पावर फोर पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो बताया है। तो कहने का मतलब ये, अगर ये पूर्ण वर्ग है तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो के का मान क्या होगा, और के मान के लिए चार ऑप्शन भी दिए गए। चलो जरा चार ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक दिया गया चार, दूसरा दिया गया आठ, तीसरा दिया गया 16, चौथा दिया गया 32। अभी तक के सवाल भी आपको कुछ यही पढ़ा रहा था,
लेकिन ध्यान से समझिएगा, जो चीजें हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई की हैं, अभी तक की हमने सीखा है, उन्हीं को हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है? बस थोड़ा सा ध्यान से देखें क्या। अच्छा, अगर अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे x माइनस टू है, यहाँ पे x माइनस फोर है, यहाँ पे x माइनस सिक्स है, यहाँ पे x माइनस एट है। आप देखो जरा, अगर हम इन दोनों के बीच में अंतर निकालें, अगर हम इन दोनों के बीच में अंतर निकालें, तो x माइनस टू ए में से हम किसको घटाने जा रहे हैं, x माइनस फोर ए को घटाने जा रहे हैं। अंतर जरा निकालते हैं, तो ये तो x माइनस टू ए रहेगा, जब माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस का x और माइनस आई इंटू माइनस प्लस x से x देखो कट जाएगा, फोर ए में से टू ए घट जाएगा, कितना आ जाएगा, टू ए, कितना आएगा, टू ए। मतलब ये है, और दूसरी बात ये है कि भाई चार ए में से अभी तो दो घटा रहे हो, तो फिर यहां पे टू ए आ रहा है, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि हम इनमें क्या चीज जोड़े, हमें क्या बताना है कि हम इनमें क्या चीज ऐसी जोड़ दें। वैसे के प्लेस की आपसे वैल्यू पूछी है, अगर अभी हम इसको इतना इग्नोर कर लेते हैं कि इतना सवाल नहीं है, तो सवाल आपका ये बनता है कि हम इनके गुणनफल में, इन चार संख्याओं के गुणनफल में जिनमें डिफरेंस कितने का है, जिनमें डिफरेंस कितने का है, टू ए का। तो आपको बताया है कि अगर हम इसमें ऐसा क्या जोड़े कि संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए, तो आप यही तो बोलते हो कि जो डिफरेंस होता है उसी की घात हम कितना जोड़ते हैं, चार। तो टू ए की पावर फोर ही तो जोड़ना है। अच्छा, दो की घात चार का मान कितना होता है, 16। ए की घात चार का मान कितना होता है, ए की घात चार ही रहेगा। तो हमारे हिसाब से 16 ए की पावर फोर यहां पे जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन सवाल कितना बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि के ए की पावर फोर जोड़ा गया, तो ए की पावर फोर से ए की पावर फोर कट जाएगा, और के का मान कितना आ गया, 16। नहीं आया, एक बार जरा फिर से समझ लेते हैं, अगर एक बार में नहीं आया है तो दूसरी बार में आ जाएगा। सबसे पहला काम, आप इतना इग्नोर कर दो, आप ये देखो कि हम इन चार संख्याओं के गुणनफल में ऐसा क्या जोड़े कि संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए। तो हमने अभी आपको बताया कि आप प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर जरा निकाल लो, तो फोर ए में से टू ए घटेगा, कितना बचेगा अंतर, अंतर तो भाई टू ए का है, डिफरेंस कितने का है, टू ए का है। तो हमें जोड़ना क्या है, वैसे यहां पे के ए की पावर फोर जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें के मान के लिए शॉर्ट आउट करना। तो टू ए की पावर फोर हमें जोड़ेंगे, दो की घात चार का मान कितना, 16, और ए की घात चार ऐसे ही रहेगा। तो वहां पे क्या है, वहां पे के ए की पावर फोर है, कि ए की पावर फोर से ए की पावर फोर कैंसिल हो गया, तो के का मान कितना आ जाएगा, 16। बात समझ में आ गई, अरे बोलो भाई, कंफर्म है ना? चलिए, तो यहां पे सी ऑप्शन दिया गया, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है? अगला सवाल लेते हैं, अगले सवाल को जरा ध्यान से समझिए, और वैसे उम्मीद है अब आप लोग कर सकते हैं सवालों को, तो चलो भाई करके बताओ। वैसे सवाल देखो अब आपके सामने आ गया होगा, सवाल में बोला गया है कि x माइनस टू ए, x माइनस फाइव ए, x माइनस एट ए और x माइनस एलेवन ए प्लस के ए की पावर फोर। बोला गया ये पूर्ण वर्ग के रूप में, ये कैसे पूर्ण वर्ग के रूप में, तो फिर के का मान क्या होगा, आपसे क्या पूछे के का मान क्या होगा। ये भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो। तो हमने इनके बीच का अंतर देखा कितना, फाइव ए में से टू ए जाएगा कितना, थ्री ए। आपको क्या करना है, आप पहले इसको इग्नोर करोगे, हम इसमें ऐसा क्या जोड़े कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो थ्री ए की पावर फोर जोड़ा जाए, तीन की घात चार का मान कितना, 81, ए की घात चार ही रहनी है। हमारे हिसाब से 81 ए की पावर फोर जोड़ना चाहिए, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि हम के ए की पावर फोर जोड़ेंगे, तो ए की पावर फोर से ए की पावर फोर कैंसिल हो गया, और के का मान कितना आ गया, 81 आ गया, के का मान कितना आ गया, 81। बात समझ में आ गई, कंफर्म है ना? चलो, जब बात को समझ में आ गई है तो फिर हम थोड़ा सा और अब आगे को बढ़ जाते हैं। वैसे यहां पर देखो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाना है, ठीक है? अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, इस बोर्ड पर जब लॉकडाउन वगैरह चल रहा था तब हम लोग यहाँ पे नॉलेज ले रहे थे, ठीक है? और उसके बाद से इतने दिनों से जो भी क्लासेस आपको मिल रही है वो सभी लाइव क्लासेस मिली हुई थी, जो कि इंस्टीट्यूट से ही हो रही थी। आज संडे का दिन था तो सोचा कुछ आपको नॉलेज दे दी जाए, ठीक है? वैसे भी
आज की तो आपकी क्लास हुई नहीं है, तो चलो आज घर पे आप जितना भी पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। देखो अब सवाल में यहाँ पे ये दिया गया है, अगला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 4 × 5 × 6 और प्लस में दिया गया एक्स, प्लस में दिया गया कितना एक्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपको सवाल दिया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना स्क्वायर रूट लगाया, तो स्क्वायर रूट इतना नहीं बल्कि पूरे में होगा, ठीक है। तो बाई चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें करेक्शन करने वाला है तो आप वहां पे करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सवाल में कुछ इस तरीके से संख्याएं दी गई, 3 × 4 × 5 × 6 और प्लस में कितना है एक्स। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो एक्स है वो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, उसको भी रूट के अंदर ही लिखा गया है। सवाल में आगे ये था कि x का मान क्या होगा यदि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो। अगर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग के बेसिस पे हमने आपको यही बताया कि आप इन चार संख्याओं में देखो अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, अंतर है एक का। और अगर अंतर एक का मिलेगा तो हम कितना जोड़ेंगे, 1 की घात 4 जोड़ेंगे, और 1 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 1 जोड़ने का। तो आप एक्स के प्लेस पे ऐसा क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहां पे जिस ऑप्शन में 1 दिया हो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो पहले ऑप्शन में ही दिया गया, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल, देखो आपके सामने क्या बोला जा रहा है। अगले सवाल में बोला गया कि 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्याओं, 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। अच्छा 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती, एक तो होगी 101। अच्छा देखो यहाँ पे ये चीज बोली गई 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्याओं के गुणनफल, तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा करेक्शन कर लेना कि 3 अंकों की सबसे छोटी 4 विषम संख्याओं के गुणनफल, ठीक है। तो 101 × 103 × 105 × 107 हमें कितनी लेनी है, हमें यहाँ पे 4 संख्याएं बस लेनी है, ठीक है। तो देखो क्या था, 3 अंकों की सबसे छोटी 4 विषम संख्याओं के गुणनफल में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि संख्याएं क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए। तो डायरेक्टली आप तो अब आंसर लगा सकते हो ना, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, अंतर है 2 का। तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, हम लोग 2 की घात 4 जोड़ेंगे, और 2 की घात 4 का मान कितना होता है, 16। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे आप कितना रख दोगे, 16 रख दोगे। बात समझ में आ गई। अच्छा देखो एक और भी कुछ इसी तरीके का सवाल यहाँ पे दिया है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 928 × 932 × 935 × 938 प्लस के। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि हम इसमें क्या ऐसा जोड़ दें कि संख्याएं कैसी हो जाए, पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए। तो हमसे ये बोला है कि के प्लेस पे ऐसा क्या जोड़ दें। तो उम्मीद है आप लोग आंसर बता सकते हो, 929 और 932 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का। तो आपको क्या जोड़ना होगा, 3 की घात 4, और 3 की घात 4 का मान कितना होता है, 81। कितना होता है, 3 की घात 4 का मान 81 होता है। तो उम्मीद है आपने ये जो छोटा सा टॉपिक था वो अच्छे से सीख लिया होगा। अगर ऐसा कोई भी सवाल एग्जाम में आता है तो उम्मीद हम ये करेंगे कि आपसे ये सवाल गलत ना होने पाए, ठीक है। वेल चलिए एक आधे सवाल और ले लेते हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ठीक है। देखो तो सवाल यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, 99 × 195, 99 × 195 और यहाँ पे है प्लस एक्स। वही चीज है, 99 × 195 दिया था, और सपोज कर लो यहाँ पे ना दिया जाए, ऐसे दिया हो, क्या चीज, सिर्फ इतना ही दिया हो कि 99 × 195 में हम क्या जोड़े कि संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए, तब फिर आप क्या करेंगे। वैसे देखो आप माइंड लगाना चाहोगे कि भाई 99 के हम फैक्टर करें, 195 के फैक्टर करें, लेकिन ध्यान रखिए कि यहां से तो सवाल जो होता है वो जोड़ने के हिसाब से निकलता है, किसके हिसाब से, गुणा करने के हिसाब से निकलता है, लेकिन जोड़ने के हिसाब से तो आंसर नहीं निकलने वाला है ना। तो जोड़ने के लिए तो आपको यही चीज करनी पड़ती है कि भाई हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कराएं, और गुणा कराने के बाद में फिर हम क्या करें, इनको सॉर्ट आउट करें। तो ऐसे तो करने वाले हैं नहीं, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप जरा देखिए यहाँ पे 99 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 9 × 11 लिख सकते हो, 99 को क्या लिख सकते हो, 9 × 11, और 195 को क्या लिख सकते हो, 13 × 15, और बीच में गुणे का चिन्ह था, बीच में गुणे का चिन्ह लगा। तो आपने देखा 99 को हम लिख सकते हैं 9 × 11, और 195 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 15। अब देखो भाई 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, हम इसमें ऐसा क्या जोड़े
कि संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए। तो अब आपको उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। हम इसमें क्या जोड़े, हम इसमें 2 की घात 4 जोड़े, और 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16। तो यहां पे अगर आप 16 ऐड कर दोगे तो संख्याएं कैसी हो जाएंगी, पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएंगी। संख्याएं कैसी हो जाएंगी, पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएंगी। चलिए एक सवाल आपको घर के लिए भी देना है, ठीक है, आपको उसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताने। तो देखो सवाल कुछ इस तरीके से दिया है, 1 + 90 × 91 × 92 × 93। ये जितने भी सवाल आज की क्लास में हमने लिए ये सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आगे आपके कहीं भी सवाल आता है, किसी भी एग्जाम में की बात कर ले, ठीक है, मैथ आती हो, अगर उस एग्जाम में कहीं से भी सवाल आ रहा होगा तो अगर इस टॉपिक से आएगा तो यहां से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में हमने वैल्यूज तक वही रखी है जो एग्जाम में आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो देखो इसको सॉर्ट आउट करना है, वैसे यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया गया कि +1 ऐड कर रहा है, तो इनको सभी को सॉर्ट आउट करके आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या है। ऑप्शन जो दिए वो कुछ इस तरीके से दिए, 8371, 8731, 8173, 8137, और एक है नन ऑफ दीज भी, ठीक है। इसको आपको सॉर्ट आउट करके बताना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, ओके ना। तो चलिए उम्मीद है आपने आज की क्लास में काफी कुछ सीखा होगा, जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे, और रिकॉर्डेड क्लास में ही मिलेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप बैक टू बैक आपको वीडियोस प्राप्त होती रहे, जिनसे कि आप घर पे भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले सके, ओके। चलिए आज की क्लास ओवर, थैंक्स अ लॉट, आपका दिन शुभ हो।